एनआरआई का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उनके प्लॉट की कुछ लोगों ने अपने नाम रजिस्ट्री करा ली। मामले में जांच करते हुए एरोड्रम थाना पुलिस ने एक महिला सहित दो लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक एनआरआई का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर और उनके प्लॉट की रजिस्ट्री कुछ लोगों ने अपने नाम करा ली। जब एनआरआई द्वारा मामले की शिकायत थाने पर दर्ज कराई गई, एरोड्रम थाना पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए एक महिला सहित दो लोगों को हिरासत में लिया है। एसपी पश्चिम महेश चंद्र जैन के अनुसार मामले में चार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें से दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं जो उक्त धोखाधड़ी में शामिल थे। रजिस्ट्री करने वाले जिसके नाम रजिस्ट्री हुई और जो साक्षी थे, उन सभी नाम और पते भी गलत मिले हैं। थाना एरोड्रम पे 4 दिन पूर्व 420 का एक सनसनीखेज प्रकरण कायम हुआ था, जिसमें एक एनआरआई का झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उसका प्लॉट कुछ लोगों ने अपने नाम से रजिस्ट्री करा ली थी। इसकी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट थाने पर प्राप्त होने पर चार लोगों के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया था। थाना प्रभारी एरोड्रम को तब से लगातार उसको निर्देशित किया जा रहा था कि इसमें गंभीरता से, तत्परता से विवेचना कर वास्तविक आरोपियों का पता लगाएं, क्योंकि जिसने रजिस्ट्री कराई, जिसके नाम से रजिस्ट्री हुई और जो साक्षी थे, उनके नाम पते गलत लिखे थे। थाना प्रभारी एरोड्रम तथा उनकी टीम द्वारा लगातार मेहनत की और मेहनत करके जो दो नाम एफआईआर में दर्ज हैं, एक श्रीमती अनीता, दूसरे महेंद्र चौरसिया, इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इनसे घटनाक्रम के संदर्भ में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कुछ अन्य लोग इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने पाए गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। समुचित संतुष्टि के पश्चात इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर कितने आरोपी थे? अभी तक जो पता लगा है, जैसा मैं बताया था, चार लोगों के खिलाफ कायम है। चूँकि चार लोग वो हैं, एक ने रजिस्ट्री कराई, एक के नाम से रजिस्ट्री हुई और दो उसमें साक्षी हैं, तो प्रथम दृष्टया चार फोटो रजिस्ट्री में दिखते हैं। इन चार के अलावा इसके पीछे जो लोग हैं, उसमें अभी तक हम 2-3 लोगों के बारे में जानकारी आई है। जितने भी हैं, उन सब का नाम सामने लाकर समुचित साक्ष्य संकलित कर उनको प्रकरण में आरोपी बनाया जाए। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड कर।